इवनिंग, वेलकम टू आवर सेकेंड सेशन ऑफ टीचर एजुकेटर एसएस ग्रुप अबाउट यूजीसी एनटीए नेट प्रिपरेशन. इन लास्ट क्लास आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द चैप्टर वन ऑफ पेपर वन, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन विच वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द टीचिंग कंसेप्ट, लेवल ऑफ टीचिंग, characteristics of teaching, requirement of teaching, and some part of learning is also discussed in the class, in my yesterday class. Today we continue our next topic. Next topic is our very important topic, you can say that, learner characteristics. Learner characteristics किसकी? Adolescence and adult. दो ही पार्ट दे रखे हैं आप में, adolescence and adult. सबसे पहले adolescence learner के बारे में पढ़ते हैं. adolescence का मीनिंग क्या होता है? To emerge, to achieve some identity. To emerge and to achieve some identity. It is a time of maturing the mind and the behavior. In this stage, if you talk about the stages, अगर हम एडोलसेंस किशोरों के चरणों की बात करें तो WHO ने हमें एक टाइम स्पेन दिया है 10 टू 19 ईयर्स का, जिसको उन्होंने थ्री पार्ट में डिवाइड किया है. पहला पार्ट है आपका अर्ली एडोलसेंस पीरियड, जिसमें आपसे 10 से 12 साल के बच्चे आते हैं, जिनकी बॉडी फिजिकली पूरे, जिनके बॉडी पार्ट ग्रो करते हैं, हैंड, फीट, लिम्स आर ग्रोइंग वेरी मच, एंड दे आर वेरी मच इंडिपेंडेंट. दे नीड प्राइवेसी. दे आर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स और टीचर्स. इन द सेकेंड स्टेज ऑफ एडोलसेंस, दिस इज अ मिडल स्टेज, मध्यम अवस्थरण होता है, जिसके अंदर 12 से 16 साल के बच्चे आते हैं, 12 टू 16 ईयर स्टूडेंट्स आते हैं, जिनके बॉडी और जेनेटिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है. स्पेशली अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो उनके अंदर डिसीजन, वोकेशनल डिसीजन की बात आती है, और उनके अंदर एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. यहाँ पर आपको पुबर्टी डेवलपमेंट होगा, और इसके अंदर आपके बच्चा किसके लिए फाइट करेगा, कन्फ्लिक्ट होगा अपनी सेल्फ की इमेज को लेकर. से थर्ड पार्ट होता है इसका लेट एडोलसेंस पीरियड, जिसके अंदर 16 से 19 ईयर के स्टूडेंट्स कह सकते हो, चिल्ड्रन कह सकते हो, आते हैं. इनके जो ये पीरियड होता है लेट एडोलसेंस, इसके अंदर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास, ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसका? टूवर्ड्स द अडल्टहुड. इन द लेट एडोलसेंस पीरियड, कैरियर डिसीजंस आर फाइनली नीडेड बाय द स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन. द चाइल्ड ग्रेजुअली रिटर्न टू द फैमिली एंड न्यू फूटिंग इज देयर, मतलब वो दोबारा फैमिली में पैचअप करने की कोशिश करता है और अपने कैरियर के डिसीजन को फाइनलाइज करता है. ये स्टेज है आपकी 16 टू 19 ईयर. अगर हल की बात करें, हल ने इस पीरियड को स्ट्रेस और स्ट्रोम का पीरियड नाम दिया है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर बच्चे को स्ट्रेस होता है अपनी सेल्फ की इमेज को लेकर, और वो उसके अंदर क्यूरियसिटी होती है हर चीज़ को जानने की, तो स्ट्रेस स्ट्रोम का पीरियड है. अगर हम मॉडर्न सोसाइटी में सेटलमेंट की बात करते हैं, इनको बहुत डिफिकल्टी होती है एडजस्टमेंट को लेकर. मार्गरेट मेड की बात करें, उन्होंने कहा है कि एकेडमिकली एडोलसेंस का टाइम स्पेंड किसमें होता है? स्कूल्स और कॉलेजेस में होता है. साइकोलॉजिकली इट इज़ अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन. ट्रांजिशन कैसे? बच्चा अब पहले कंक्रीट नॉलेज से अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की तरफ मूव करता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉग्निटिव, देर आर सम कॉग्निटिव चेंजेस, इंटेलेक्चुअल चेंजेस को बोलते हैं जिसको हम, फिजिकल चेंजेस, पर्सनैलिटी चेंजेस बोलते हैं जिसको हम, और सोशल चेंजेस, बहुत सारे सोशल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस होते हैं जो उनके हर पार्ट को इफेक्ट करते हैं. सोशियोलॉजिकली इट इज़ अ पीरियड ऑफ फिल द गैप. किसका फिल का गैप करना है? बिटवीन द डिपेंडेंट चाइल्डहुड टू एडल्ट, टू द इंडिपेंडेंट एडल्टहुड. मतलब ये जब बच्चा एक डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पर, वो पीरियड, और जब बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है अडल्ट व्यस्क, उसके बीच का पीरियड होता है सोशली. क्योंकि इसके अंदर सोशली देखा जाए, बच्चे के अंदर ग्रोथ ऑफ हार्मोनल ग्रोथ होती है, उनकी सेल्फ इमेज को लेकर फाइट होता है, और उसका जो ग्रोथ होता है वो डिफरेंट ईयर तक होता है.
अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ये तो WHO ने दिया था कि आपका थ्री पार्ट में डिवाइड किया था 10 to 19। अगर हम इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें अगर एज कम्पेयर टू वेस्ट, इसके अंदर इमोशनल इंडिपेंडेंसी की ज़्यादा बात होती है, जिसमें डिलेड एडोलसेंस की बात की गई है, जो कि 21st ईयर यानी 21 साल तक रहता है और अप टू 25 उनका लेट जो एडोलसेंस होता है 21 से 25 साल का रहता है, जिसमें वो तब तक डिपेंडेंट रहते हैं अपने पेरेंट्स पर। ये है इंडियन कल्चर्स में। अब हमें एडोलसेंस की चार चीज़ें बतानी है जो हमें बताएगी NTA नेट के सिलेबस में, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स। तो हम पहले बात करते हैं उनकी एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। एडोलसेंस पीरियड मैक्सिमम टाइम स्पेंड इन द स्कूल टीचिंग, इसके अंदर बच्चे को एकेडमिक अचीवमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता है और उनका इमोशनल जो उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ, और इंट्रापर्सनल यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं आने वाले फ्यूचर में। इट कैन बी द स्टेज फॉर द फ्यूचर कैरियर अपॉर्चुनिटी। इसमें स्पोर्ट्स में कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ गेम्स में, कुछ कल्चरल एक्टिविटी में, कुछ क्राफ्ट में, और कुछ उन बच्चों का अपने एजुकेशन में कुछ ऐसी अचीवमेंट में होता है जो वो यानी कि एजुकेशन में ही कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो ये उनके अलग अलग रोल डिफाइन होते जाते हैं। पेरेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और रोल होता है। अगर हम मेलकम की बात करें, मेलकम्स कहते हैं कि अगर एडोलसेंस पीरियड है उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं और मोर ऑटोनोमस होते हैं, मतलब कि उनको बहुत फ्रीडम चाहिए होती है, गोल ओरिएंटेड होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं, उनके अंदर लर्निंग को लेकर थोड़ा सा रिलेवेंस ओरिएंटेशन होता है, मतलब कि वो अपनी लर्निंग को लेकर खुद ही बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। इस पीरियड में बच्चे जो लर्नर है वो अपनी लर्निंग को लेकर, अपने जो पैसे का मैनेजमेंट है और उसके अलावा उनको क्लासरूम के पार्टिसिपेशन को लेकर वो बहुत ज़्यादा स्टिकी और बहुत ज़्यादा रोल इफेक्टिव हो जाता है। इस पीरियड में जब हम बात करें बच्चे के अंदर आर्गुमेंटेशंस, उनका फ्रिक्शंस, उनके टीयर्स बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, क्योंकि देयर इज कल्चरल गैप विद देयर पेरेंट्स, क्योंकि न्यू जनरेशन ओल्ड जनरेशन के बीच में कल्चरल गैप रहता है, वो गैप इस पीरियड में आपको दिखाई देता है, जिसकी वजह से बच्चा क्या करता है स्ट्रेस और स्ट्रोम की इनकी क्या स्टेज होती है। इन दिस पीरियड दे आर वॉलेंटरली टेक द स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स को वॉलेंटरली चूज करते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द। और इसके अंदर अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, बहुत लेस टाइम देते हैं अपनी लर्निंग को, कुछ बच्चे ज़्यादा देते हैं, इनके लर्निंग स्टाइल यहाँ डिफरेंट हो जाते हैं। और ये ज़्यादातर लर्निंग किसमें करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय पार्टिसिपेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनके अंदर सेल्फ एस्टीम और ईगो की बात आ जाती है। इनकी जो लर्निंग है वो इवेल्युएटिंग लर्निंग हो जाती है, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड, वो जो लर्निंग करते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड लर्निंग हो जाती है। इससे पहले बच्चों में ये नहीं होता कि उन्हें रिजल्ट चाहिए या गोल चाहिए, इस उम्र में उनको रिजल्ट ओरिएंटेड और आपकी क्या कह सकते हैं उसको आउटकम, लर्निंग आउटकम रिलेटेड उनकी होती, जो वो सोचते हैं कि उनकी ये लर्निंग रियल लाइफ में कहाँ यूटिलाइज होगी। वोकेशनल की तरफ होता है उनका इंटरेस्ट, इसलिए उनकी लर्निंग क्या हो जाती है, रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर हम सेकंड पार्ट पे जाएं, उनके सोशल चेंजेस के बारे में बात करें, वो सोशली क्या हो जाते हैं उनकी पर्सनैलिटी, मार्गरेट मेड बोलते हैं, हाईलाइट करते हैं उनके रोल को, कि जो एडोलसेंस पीरियड है उसके अंदर ग्रेजुअली ट्रांजिशंस होता है फ्रॉम चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ। इसमें वो रोल चेंज की बात करते हैं, रोल चेंज कैसे होता है, वो अपनी एक्सेप्टेंस, ईजी एक्सेप्टेंस नहीं होती एडल्ट के रोल को लेकर उनके अंदर, क्योंकि वो ना तो मेच्योर होते हैं ना ही इमेच्योर होते हैं, उनके अंदर रिलेटिवली स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं होती है। रैपिडली वाइडिंग लाइफ, उनकी लाइफ पहले शॉर्ट होती है जो अब वाइड होनी शुरू हो जाती है, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एडजस्ट करना। ओवरलैपिंग होती है उनके रोल को लेकर, कभी तो कुछ लोग उनको बच्चा कह के काम चल उनको साइड कर देते हैं, कुछ लोग उनको एडल्ट बोल देते हैं, तो उनको रोल को इमेज को लेकर उनकी थोड़ी सी क्या होता है स्टिकनेस हो जाती है। एडोलसेंस पीरियड में अगर हम बात करें, देर कन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, वैल्यूज़ को लेकर इमोशनल टेंशंस अराइज होती हैं और उनके अंदर एक्सट्रीम एटीट्यूड अराइज होता है। हमें बैटरी बोलिए बेटा,
विद द फास्ट ग्रोइंग एंड द स्ट्रक्चरल बॉडी चेंजेस न्यू एटीट्यूड टूवर्ड द वन सेल्फ एंड द अदर मीन्स दैट उनके अंदर राइट्स को लेकर, ड्यूटीज को लेकर, सोशल रोल को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ जाती है. एडोलसेंस का ये ट्रांजिशन पीरियड होता है सोसाइटी के अंदर. देर इज अराइज ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ आइडेंटिटी की बात करते हैं. देर डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंसनेस एंड मेक डिसीजन मेकिंग पावर उनको चाहिए होती है. आपका टॉपिक है एडोलसेंस की करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके अंदर हम एकेडमिकली कर चुके हैं. अब हम सोशल चेंजेस के बारे में कर रहे हैं. फर्स्ट क्या किया हमने, उनके अंदर सर्च होती है सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर. सेकंड होता है डिमांड होती है उनकी इंडिपेंडेंस और डिसीजन मेकिंग को लेकर. और उनके अंदर क्या होता है, अपने वैल्यूज़, अपने राइट्स, अपने लॉ, अपने रोंग वैल्यूज़ को लेकर वो थोड़ा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. उनके ऊपर पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. मतलब करेक्टर बिल्डिंग की बात करें तो वो इमोशनल में आएगा बेटा. अगर हम यहाँ बात करें पीयर प्रेशर की, कि उनको अपने फ्रेंड्स के लेकर साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है हर चीज़ में. उनकी कम्युनिकेशन क्या होती है, इंटरनेट, सेलफोन, क्योंकि आजकल बच्चे कहाँ हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा हैं, तो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ रहता है, फ्रेंडशिप में रहता है, या फिर उनको इंटरनेट पर टाइम स्पेंड करना, सोशल साइट्स पर टाइम स्पेंड करना होता है. एक सोशलाइजेशन के अंदर एक पार्ट आता है ड्यूरिंग दिस स्टेज. थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया सोशलाइजेशन को. फर्स्ट है बेटा होमोफिली. होमोफिली वो स्टेज होती है जब बच्चा बहुत सारा टाइम अपने फ्रेंड का स्पेंड करता है. और वो क्या होता है, उसमें सब मिक्स तरह के बच्चे होते हैं, मतलब कि कोई किसी को लेकर डिस्पैरिटी नहीं होती. सेकेंड होता है डेविएट फ्रॉम द पीयर रिकॉग्निशन. अब यहाँ पर पीयर रिकॉग्निशन क्या होती है, कि उनको उनके बिहेवियर में लाफिंग आ जाता है, शोइंग अदर साइन ऑफ डिसअप्रूवल, अप्रूवल आ जाता है उनके साइन में. और उसके अलावा उनके अंदर फ्यूचर प्रॉब्लम्स बिहेवियर आ जाती हैं. फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेकर उनके बिहेवियर्स क्या होता है, चेंज हो जाते हैं. नेगेटिव पीयर प्रेशर्स आ जाता है उनके अंदर. बहुत सारी डिस्क वैल्यूज उनके अंदर जनरेट हो जाती हैं. फ्रेंड्स की वजह उनका सपोर्ट सिस्टम, फ्रेंड्स जो होते हैं उनके सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं. तो थर्ड सोशलाइजेशन की बात करें तो हम उसमें आते हैं एनवायरमेंटलिस्ट, जिसके अंदर आप फ्रेंडशिप क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है. किसका, आपके रिलेशनशिप का. मतलब वे इंजॉय करते हैं, अपनी रेपुटेशन को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. इस स्टेज के अंदर वो क्या करते हैं, नोटोरियस एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि वो फेमस होना चाहते हैं, क्योंकि वो एक फिगर बनना चाहते हैं पूरे ग्रुप में. तो वो अलग अलग एक्टिविटी करके अपने आप को क्या करते हैं, अपनी इमेज को और बढ़ाना चाहते हैं. इसके अंदर कुछ रोमांटिक रिलेशनशिप की बात भी आती है लास्ट स्टेज में, जो मैंने आपको बताया है थ्रेटरिंग किड्स में. अब आती है आपके इमोशनल चेंजेस. क्या इमोशनल चेंजेस होते हैं एडोलसेंस के अंदर. एडोलसेंस के अंदर आपका पेपर वन का चैप्टर वन चल रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड लर्नर करेक्टरिस्टिक्स. इसके अंदर हम एडोलसेंस की करेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं. हम आपकी थर्ड करेक्टरिस्टिक्स पर हैं, जो कि इमोशनल चेंजेस से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम बताते हैं इमोशनल्स क्या है. बच्चे के ऊपर स्ट्रेस होता है, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं अपनी स्टडी को लेकर, बहुत ज़्यादा ऑन्शियस होते हैं, उनको जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है हर चीज़ को. उनके अंदर रोल कन्फ्यूजन होता है. रोल मतलब उनके सक्सेसफुल मीटिंग विद द टास्क. वो अपने हर काम को सक्सेसफुली पूरा करना चाहते हैं एडोलसेंस. अगर हम बात करें एम्बिशियस की, वो ज़्यादा एम्बिशियस रहते हैं इस स्टेज के अंदर. उनको अंदर मोरेलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है और वो फ्रीडम की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट की बात करते हैं. उनको पैसिमिस्टिक एटमोसफियर चाहिए होता है. वो अपने पेरेंट्स से, टीचर से, वो टीचर से लीनियंसी चाहते हैं और उनको प्रोवाइड भी की जाती है. इसके अलावा उनके अंदर रेबेलियन नेचर हो जाता है, मतलब उनको हर चीज़ में अपनी बात मनवानी होती है, क्रांतिकारी नेचर हो जाता है उनका. इसमें अगर कॉन्शियस फॉर्मेशन की बात करें तो ये इस स्टेज में बहुत ज़्यादा होता है. एडोलसेंस बहुत ज़्यादा सेल्फ और इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब अपने अकॉर्डिंग रिलीजन्स को मानेंगे, गॉड को अपने अकॉर्डिंग वर्शिप्स करेंगे, प्रेयर करेंगे, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी अपने आप ही जनरेट होंगी. इसके अंदर पेरेंट्स का हाथ होता है, लेकिन वो अपने बच्चे रिबिलियंस नेचर्स के होते हैं, तो उनको कन्फ्यूज़न होता है हर चीज़ को लेकर. इस पीरियड में अगर इस ईयर की बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पर्सनैलिटी चेंज. पर्सनैलिटी कैसे, अगर हम आनेस्ट जंग की बात करें उनका, ये दिस इज़ द पीरियड ऑफ लिबिडो. आपने पढ़ा होगा लिबिडो की बात की गई है, इन विच मतलब हम बात करें रीअवेकनिंग ऑफ द एडोलसेंस. मतलब वो अपसेट रहते हैं, डेलिकेट हो जाते हैं. किसको, बीच का पार्ट होता है इड और ईगो की. इसके अंदर ईगो ज़्यादा हावी हो जाता है. एरिक्सन्स की बात करें तो उन्होंने कहा है एडोलसेंस रिवॉल्व्स अराउंड द कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी
वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन, इट इज ए पीरियड ऑफ दो चीजों के बीच का पीरियड है ये, कंफ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी कंफ्यूजन की बात की गई है। इमोशनल चेंजेस क्या होते हैं, वो उनके अंदर जीन्स में, उनके ब्रेन्स में, एनवायरमेंट में, एक्सपीरियंसिस से, कल्चरल से, उनके डिफरेंट शेप ऑफ डेवलपमेंट से, ये सब कुछ, उनके फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती हैं, उनके कॉन्शियस लेवल चेंज होता है, उनके अंदर थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है, अपने कॉन्शियसनेस को वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनका थिंकिंग और उनका एक्टिंग पावर बढ़ जाता है, इनकी इगोइस्टिक नीड्स बढ़ जाती हैं, जिसके हम कह सकते हैं दे आर डोमिनेंस, वो डोमिनेंस होने की कोशिश करते हैं, अचीवमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाते हैं, रिटेंशन को लेकर, अपनी अटेंशन को लेकर और अपनी ऑटोनॉमी को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इगोइस्टिक हो जाते हैं। उनके अंदर अगर मोफिट की बात करें, मोफिट ने बहुत अच्छा बताया रिगार्ड्स एडोलसेंस, कहा है कि लिमिटेड एंटी सोशल रिलेशनशिप एज रिजल्टिंग फ्रॉम द मैच्योरिटी गैप, क्योंकि उनका मैच्योरिटी गैप होता है उनके अंदर, अपने पेरेंट्स के कल्चरल गैप होता है, इसकी वजह से उनके अंदर एंटी सोशल एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। जेनेटिकल चेंजेस होते हैं तो एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसके अंदर उनके अंदर वेरिएशंस होती हैं रिस्क को लेकर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द अनहोलीटाइड, अगर अनहोलीटाइड मतलब कि कुछ अब्यूज़ के सब्सटेंसेस, कुछ वायलेंस, कुछ अर्ली सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन भी इसके अंदर आ सकते हैं। अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी इंटेलेक्चुअल या मेंटल एबिलिटी की डेवलपमेंट की बात करें, तो वो जो इस स्टेज में क्या होती है, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाती है, मतलब उनका थिंकिंग, उनका इमेजिनेशन कहाँ जाता है, पहले कंक्रीट होता है, वो धीरे धीरे कहाँ जाता है, उनका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ जाता है। इस दौरान बच्चे की कैपेसिटी टू लर्न बढ़ जाता है, क्वालिटी ऑफ एस्पेक्ट्स बढ़ जाता है, उनका मैच्योरिटी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करता है। द कैपेसिटी ऑफ डिवेलपिंग द लर्नर थ्रू द इंट्रैक्शन ऑफ इनेट पावर, इनेट पावर मतलब उनके अंदर हेरिडिटी, एनवायरमेंटल और मैच्योरेशन की बात करें, वो बढ़ जाता है। इट्स मेंटल प्रोसेस इज वेरी सिस्टमैटिक, अगर मेंटल प्रोसेस की बात पॉइंट पे है, तो वो क्या है, बहुत सिस्टमैटिक है, लेट एडोल्सन में बहुत ही ऑर्गेनाइज होता है, वेल यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज होता है, अपने प्रीवियस नॉलेज को वो आपकी नॉलेज साथ वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। प्याजे ने जो इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज दी है, वो है सेंसरी पीरियड, आपने पढ़े होंगे 0 से 2 साल के बीच का, प्री ऑपरेशनल पीरियड जो 2 से 7 साल का पीरियड होता है, कंक्रीट ऑपरेशन 7 से 11 का होता है, और फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड जो 11 से 15 का होता है। तो अगर हम बात करें एडोलसेंस की, वो किस में आते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड की तरफ आते हैं, जिसके अंदर सिस्टेमेटिक एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम होता है, और सेकंड पार्ट लॉजिकल अप्रोच उनकी बढ़ जाती है प्रॉब्लम को लेकर, वो रोट लर्निंग नहीं करते हैं, लॉजिकल लर्निंग करते हैं। थर्ड बात, उनके अंदर हाई ऑर्डर थिंकिंग सी होट्स डेवलप जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर, एंड सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम होता है। मोरल मेच्योरिटी की बात की गई है, अगर हम उनके लैंग्वेज की बात करें, और अगर घर का एनवायरमेंट अनएजुकेटेड है, तो वो मोस्टली क्या होते हैं, एजुकेटेड होम्स में इस तरह की एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती हैं कि इंडिविजुअल स्ट्रगल करता है एनवायरमेंटल चेंजेस के अंदर, क्योंकि उनके अंदर अडेप्शन होती है। अडेप्टेशन किस रिगार्डिंग, एनवायरमेंट को रिगार्डिंग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक प्ले, अगर उनका मेंटल डेवलपमेंट डेवलप करेगा, तो उनको अडॉप्शन में दिक्कत नहीं आएगी। द पर्पस ऑफ द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो भी हम अडॉप्शन के प्रोसेस बनाते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, सिर्फ इक्विलिब्रियम क्रिएट करना उसकी लाइफ में। एट द एडोलसेंट स्टेज सोशल इंट्रैक्शन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस लर्निंग। सोशल इंट्रैक्शन मतलब बच्चों का आपस में जो सोशल सोसाइटी बनती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या हो रहा डिवाइस का, टीचर शुड प्रोवाइड, उनको इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो उनको लर्निंग बाय डूइंग, उनके माइंड में जो लर्निंग का कंसेप्ट है, वो पहले जो कंक्रीट उनको दे रहे थे, उनको वो लॉजिकली ऑर्डर में प्रोवाइड किए जाएँ, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि उनको ईजिली समझ आ सके। इन दिस फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज चाइल्ड डिस्प्ले 3 क्वालिटीज़, 3 क्वालिटीज़ आपको एक टीचर को देखने को मिलेगी एडोलसेंस पीरियड में। सबसे पहले सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, वो किसी भी प्रॉब्लम को सिस्टमेटिक एनालाइज करना सीख जाएंगे।
नंबर टू हो जाएगी उनकी अप्रोच लॉजिकल हो जाएगी, उनकी अप्रोच लॉजिकल मतलब वो हर चीज़ को लॉजिकली सोचेंगे। थर्ड पार्ट था एबिलिटी ऑफ यूज ऑफ हायर ऑर्डर और अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो होट्स हायर ऑर्डर थिक थिंकिंग एबिलिटी को यूज़ करना सीखेंगे। देर इज नो नॉलेज डेवलपमेंट विदाउट द रिलेटिंग ऑब्जेक्ट्स विद एनवायरमेंट, उनको चाहे एनवायरमेंट की इतनी नॉलेज नहीं होती लेकिन वो फिर भी उससे अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें वो नॉलेज को एक्वायर करते हैं बाय नोट ए पैसिव लर्नर बट ये एक्टिव लर्नर होते हैं। इनके अंदर मतलब एक कॉपिंग बहुत जल्दी करते हैं और इसके अलावा इनको क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही, सेकेंड है बेटा आपके फर्स्ट हमने एडोलसेंस पढ़ा था, करैक्टरिस्टिक्स वो पढ़ रहे हैं हम एडल्ट की, एडल्ट लर्नर करैक्टरिस्टिक्स क्या है। लाइफ इज वेरी बिजी बट अडल्ट और आल्सो वेरी बिजी, ये एज होती है आपकी 25 से ऑनवर्ड मतलब 25 से ऊपर साल के जितने होते हैं वो व्यस्क काउंट होते हैं। अब तक हमने पढ़ा किशोरावस्था, अब हम पढ़ने चाह रहे हैं व्यस्क के बारे में। इसके अंदर एक एंगेजमेंट होता है लाइफ प्रोसेस में एंगेज होने के लिए, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं बच्चे और टेक टाइम टू बाय द मतलब एडल्ट क्या करते हैं बेनिफिट लेना चाहते हैं जो उनको प्रोवाइड किया गया है। मैलकॉम ने एस नोइंग ने कहा है एडल्ट लर्नर मैच्योर होते हैं, प्रेफर द सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, इंडिपेंडेंट लर्नर होते हैं और एक्सपीरियंस्ड लर्नर होते हैं। एडल्ट एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी, अगर एडल्ट एजुकेशन की बात करें ये एक ही फिलोसफी पर बेस करती है वो है एंड्रोगोजी। देखिए दो मॉडल थे पेडागोजी और एंड्रोगोजी। एंड्रोगोजी क्या है, एडल्ट को लेकर जो टीच आर्ट एंड साइंस टीचिंग ऑफ आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एंड्रोगोजी, जिसके अंदर आप एडल्ट की हेल्प करते हैं लर्निंग में। कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं इसको लेकर, पहला होता है चेंज व्हाट पीपल नो, ये पता करना कि बच्चे को क्या कितना पता है, एंड चेंज इज व्हाट टू डू उन्हें अब क्या करना चाहिए। उसके बाद चेंजेस इन व्हाट द पीपल थिंक, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, या व्हाट पीपल एक्चुअली डू, पीपल उसके एक्चुअली क्या करते हैं इस चेंजेस में। इन अगर एम्फेसिस करें नॉलेज एप्टीट्यूड और स्किल की, तो इस एडल्टहुड में जब हम डिफाइन करते हैं बेसिक स्टेजेस को, 15 जो हमने बताई थी आपको मैच्योरिटी की 10 to 19 ईयर्स की, यहाँ पर यूनेस्को ने अगर इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें उन्होंने 24 to 65 ईयर का जो पीरियड है उसको उन्होंने एडल्ट लर्नर बोला है। एडल्ट लर्निंग प्रोसेस है, मे बी इट इज़ अ वेरी सिस्टमेटिक, इट इज़ अ वेरी लर्निंग प्रोसेस दैट इज़ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल फॉर्मल क्या है, जो आप स्कूल में टीचिंग लेते हैं। इनफॉर्मल क्या है, जो आप पेरेंट अपने परिवार फैमिली से अपने सोशल ग्रुप से सीखते हैं वो इनफॉर्मल है, रिलीजियस ग्रुप से सीखते हैं। जो आपका नॉन फॉर्मल है वो आपकी डिस्टेंस लर्निंग से रिलेटेड, डिस्टेंस कोचिंग से रिलेटेड हो सकता है। इट मे बी सेल्फ मैनेटरिंग एंड द कोऑपरेटिव स्पॉन्सर्ड होते हैं, अंडरटेक द फुल टाइम और पार्ट टाइम लर्नर। एडल्ट लर्नर हमेशा पार्ट टाइम लर्नर प्रेफर करेंगे रिगार्डिंग टू द फुल टाइम लर्नर। आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि जितने भी लर्नर एडल्ट हैं वो किसको चूज करते हैं, पार्ट टाइम डिस्टेंस लर्निंग को। अब इंपॉर्टेंट करेक्टर स्केच की बात करें, जो एडल्ट स्टूडेंट्स जो एडल्ट होते हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, उनके इस ट्रांजिशन कंप्लीट हो चुका होता है, मैच्योर हो चुके होते हैं और इसके अंदर उनको सिर्फ एक ही उनके एक्सपीरियंस भी ग्रो कर चुके होते हैं, उनके अंदर एनवायरमेंट की सेंस बढ़ गई होती है और वो अपने टीचर से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। अब उनका यहाँ पर टीचिंग और लर्निंग लेवल डिफरेंट हो जाता है क्योंकि उनका सोशल रोल चेंज है, उनकी लाइफ एप्लीकेशंस बिल्कुल क्रिटिकल्स हो जाती हैं विद मैच्योरिटी। अगर हम मैच्योरिटी पीरियड में उनका टाइम पर्सपेक्टिव मूव कर जाता है, पोस्ट कुछ एप्लीकेशन को पोस्टपोन करनी पड़ती हैं क्योंकि उनको अगली इमीडिएट एप्लीकेशंस करने के लिए। ये एज जो होते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड होते हैं, अपने सब्जेक्ट पे ही डिपेंड सेंटर्ड रहते हैं और दूसरा प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं। और अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की, अडल्ट इसको इंजॉय करते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है वो अडल्ट इसको क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, ईजिली सॉल्व कर देते हैं। मोटिवेशन जो होता है इस स्टेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा
इंक्रीज़ कर जाता है और पर्सनैलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। एडल्ट लर्नर वॉन्ट्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी की लाइफ की मतलब अपनी ज़िंदगी की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं उनके ऊपर। आपने देखा होगा 25 ईयर के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है धीरे धीरे, क्योंकि मैरिज हो जाती है, फिर चिल्ड्रन, इस तरह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके अंदर लर्नर अपनी रिक्वायरमेंट को अपने आसपास की चीज़ों से भी मीट करते हैं और दे वांट टू सक्सेसफुल, वो हर फील्ड में सक्सेसफुल होने की कोशिश करते हैं। एडल्ट लर्नर इज अ पर्सन हु हैड नो अपॉर्चुनिटी ऑफ ए फॉर्मल एजुकेशन इन द अर्ली ईयर ऑफ लाइफ। क्यों? अगर हम करेक्टर स्केच की बात करें तो पहला होता है उनके अंदर ऑटोनोमस और सेल्फ डायरेक्टेड, दूसरा सेल्फ रिस्पेक्ट, तीसरा वो प्रैक्टिकल लर्नर होते हैं, फोर्थ रेलेवेंस ओरिएंटेड होते हैं, फिफ्थ गोल ओरिएंटेड होते हैं, सिक्स लाइफ एक्सपीरियंसेस उनके बहुत बढ़ जाते हैं। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें एडल्ट लर्निंग में कौन से प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, तो लीडरशिप, नोवल स्टाइल्स, बिल्कुल आपको लीडरशिप क्वालिटी लेनी पड़ेगी, उसके अंदर नोवल नए नए स्टाइल्स यूज़ करने पड़ेंगे टीचिंग और लर्निंग के, न्यू एक्सपीरियंसेस देने पड़ेंगे उनकी, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो उनको रिस्पेक्ट और अपील्स के द्वारा उनको इस प्रिंसिपल के द्वारा एडल्ट लर्निंग को बढ़ाया जा सकता है। अगर हम उनको डिफ्रेंशिएट करें एडल्ट और एडोल्सेंस को, एडोल्सेंस को पीरियड का डिफरेंट करें तो पहला डिफरेंस उनका बेसिस होगा लर्नर के बेस पर। जो एडोल्सेंस लर्नर होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं फुली टीचर के ऊपर, जो लर्नर तो इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि उनके सेल्फ लर्निंग और सेल्फ मोटिवेशन ज्यादा होता है। अगर हम रोल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करें, रोल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करें तो लर्नर के अंदर बहुत लिटल, जो एडोल्सेंस पीरियड होते हैं बहुत लिटल एक्सपीरियंस लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, इंस्ट्रक्टर जो कहते हैं वो अपने टीचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब उनको जो उनको एक्सपीरियंस उनका टीचर देता है उससे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर हम एडल्ट की बात करें वो रिच, उनके पास रिच रिसोर्सेज होते हैं तो उनको टीचर से जो उनके सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ एक्सपीरियंस की बात की गई है, इसमें इंस्ट्रक्टर का रोल बहुत कम हो जाता है। उनके अंदर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो उनको क्या होता है, सेल्फ आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को। आगे होता है ओरिएंटेशन टू लर्निंग, उनके ओरिएंटेशन क्या है लर्निंग, इसके अंदर जो एडोल्सेंस में होता है लर्निंग प्रोसेस एक्वायर्ड होता है, मतलब वो सब्जेक्ट मैटर जितना प्रिस्क्राइब किया गया उसको भी एक्वायर करते हैं, और कंटेंट क्या होता है इसके अंदर सीक्वेंस में लॉजिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग होती है। अगर हम एडल्ट की बात करें इसके अंदर लर्निंग क्या है, एक रेलिवेंस उसको रियल लाइफ से मीट करते हैं, रियल लाइफ फैक्ट से मीट करके समझाया जाता है, और लर्निंग इसमें क्या ऑर्गेनाइज होती है अपनी ही प्रेजेंट लाइफ के चारों ओर, और उनको अंदर सिचुएशन से ज्यादा सब्जेक्ट, उनको सब्जेक्ट मैटर से ज्यादा सिचुएशन से ज्यादा रिलेटेड चीजें पढ़ने को मिलती हैं। अगर मोटिवेशन की बात करें एडोल्सेंस पीरियड के अंदर क्या होता है, मोटिवेशन एक्सटर्नल होता है, और जो पनिशमेंट वो अगर सीखते हैं तो रिवार्ड से या पनिशमेंट से सीखते हैं, अगर उनको सीखना होता है तो वो ग्रेड से कंपटीशन करते हैं, अगर उनको सीखना होता है तो वो अपने फेलियर के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं। अगर हम एडल्ट की बात करें दूसरी ओर तो एडल्ट होते हैं वो मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनके अंदर इंटरनल मोटिवेशन होता है और वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की गई है इसमें, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की गई है। अगर हम बात करें नीड टू नो, उनको क्या क्या पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू परफॉर्म सब इफेक्टिवली इन सम एस्पेक्ट ऑफ वंस लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें डिमांड फॉर लर्निंग, उनकी लर्निंग को लेकर क्या डिमांड है एडोल्सेंस की, लर्नर एडोल्सेंस लर्नर आर द बैलेंस लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज डिमांड ऑफ लर्निंग, बिल्कुल बैलेंस लाइफ जीते हैं। अगर हम एडल्ट की बात करें वो उनकी डिमांड क्या होती है, लर्निंग उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेके चलना, मतलब एडल्ट में उनको अपनी लाइफ को भी चार्ज चलाना होता है और अपनी लर्निंग को भी कंप्लीट करना होता है। जिसके अंदर अगर हम अपन क्लाइमेट की बात करें, अगर उनको क्लाइमेट की बात करें लर्निंग क्लाइमेट की, एडोल्सेंस में बहुत टेंस और स्ट्रेसफुल पीरियड होता है, लो कई जगह उनको, कई बार उनको उनका स्ट्रेस ही लो इंटरेस्ट कर देता है, फॉर्मल और कोल्ड मतलब अथॉरिटेरियन ओरिएंटेड होते हैं, मतलब अगर उनको अथॉरिटी नहीं देंगे तब तक वो पढ़ेंगे नहीं, अगर उनके अंदर कंपटीशन की भावना नहीं आएंगे, जजमेंटल नहीं आएंगे तब तक वो लर्निंग की तरफ नहीं जाएंगे। अगर हम एडल्ट लर्नर की बात करें उनके अंदर रिलैक्स होता है,
इतना अनरेस्ट नहीं होता है, वो बहुत ही म्यूचुअल रिस्पेक्टफुल होते हैं अपने टीचरों की, और उनको इनफॉर्मल लर्निंग ज़्यादा अच्छी लगती है, वो कोलैबोरेटिव और वो ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। अगर हम डायग्नोसिस ऑफ नीड की बात करें कि उनकी नीड्स क्या है, एडोलसेंस पीरियड प्राइमरली बाय टीचिंग सिस्टम और टीचर से वो ज़्यादा डायग्नोस्टिक अपनी नीड को डायग्नोस करते हैं। अगर आप एडल्ट लर्नर की बात करें, उनके अंदर म्यूचुअल असेसमेंट होता है बाय द लर्नर एंड द फैसिलिटेटर, म्यूचुअल मतलब आपस में कॉपरेट। अगर हम प्लानिंग ऑफ करिकुलम की बात करें, एडोलसेंस जो लर्नर होते हैं वो प्राइमरी टीचिंग सिस्टम और टीचर के बीच में प्लानिंग होती है करिकुलम की, मतलब टीचर प्लान करेगा उनके सारे करिकुलम को, लेकिन एडल्ट लर्नर वो सेल्फ उनकी म्यूचुअल होती है टीचर के साथ प्लानिंग जो होती है, टीचर और फैसिलिटेटर मिलकर अपने करिकुलम को प्लान करते हैं। ऑब्जेक्टिव और लर्निंग की बात करें, जो आपके एडोलसेंस लर्नर हैं उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं टीचिंग सिस्टम से रिलेटेड, उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं प्री डिटर्मिंड और इनफ्लेक्सिबल, मतलब कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, प्री डिटर्मिंड होते हैं उनके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम एडल्ट लर्नर, क्योंकि इनफॉर्मल लर्निंग है, ऑब्जेक्टिव फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं और कुछ उनके अंदर म्यूचुअल नेगोशिएशन भी हो सकता है। अगर हम डिज़ाइनिंग ऑफ लर्निंग प्लान्स की बात करें, सारा जो एडोलसेंस का कंटेंट है वो टीचर ही प्लान करेगा, उनको फिक्स्ड कोर्स ऑफ सिलेबस दिया जाएगा, उनको लॉजिकल सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा ताकि वो अपनी कोवोकेशनल टीचिंग को बहुत ज़्यादा आगे कर सके। अगर हम एडल्ट की बात करें, व्यस्क की बात करें, एक्टिव लर्निंग एक्टिव ट्रेनिंग मेथड यूज़ किया जाता है, उनको लर्निंग एक्टिविटी में एक्टिव ट्रेनिंग मेथड को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अगर पेस स्पीड की बात करें, लर्निंग स्पीड की बात करें, टीचर कंट्रोल करती है एडोलसेंस में टाइम भी और पीस भी की स्पीड भी। अगर हम एडल्ट की व्यस्क की बात करें तो वो लर्नर को इन्फ्लुएंस करती है उनका टाइम और पेस, मतलब लर्नर अपने अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को और अपने टाइम को, इसमें टीचर होता है एडोलसेंस में, इसमें लर्नर खुद होता है अपनी टाइम और स्पीड को बैलेंस करने के लिए। इवैल्यूएटिंग प्रोसेस दें ये टीचर करता है, इसके अंदर नॉन रेफरेंशियल विद द ग्रेड्स, ठीक है, नॉन रेफरेंशियल आपको जानते ही होंगे। आगे एडल्ट लर्नर की बात की गई है, बाय लर्नर कंट्रोल्ड एविडेंस होते हैं, वैलिडेशन होता है बाय पीयर्स एंड फैसिलिटेटर, एक्सपर्ट और क्राइटेरियन ओरिएंटेड होते हैं। अगर हम ये तो थे हमारे एडोलसेंस और एडल्ट लर्नर, यहाँ आपका लर्नर करैक्टरिस्टिक्स ख़त्म हो गया है, और इस फिनिश करने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर आ रहे हैं, वो है आपका फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। देखिए टीचिंग क्या है, टीचिंग इज अ प्रोसेस, इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट्स, टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव्स, टू क्रिएट क्रिएटिविटी, टू गेट द लर्नर गेट द न्यू एक्सपीरियंस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, ये है आपका टीचिंग लर्निंग। और इस प्रोसेस को, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से तत्व इफेक्ट करते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम सबसे पहले फैक्टर की बात करें तो टीचर का खुद का एटीट्यूड, दृष्टिकोण, टीचर का खुद का दृष्टिकोण इफेक्ट करता है। दूसरा है लर्नर एटीट्यूड, लर्नर का दृष्टिकोण, उसके बाद सपोर्ट मटीरियल, थर्ड है आप, फोर्थ है आपका इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, फिफ्थ है आपका टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, सिक्स्थ है आपका इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, और आपका सेवन्थ बात की जाए तो आया इकोनॉमिकल फैक्टर, और सबका एट्थ बात की जाए वो आपका क्लासरूम मैनेजमेंट, और नाइन्थ है आपका टीचर ट्रेनिंग एंड द एक्सपीरियंसेस। अब फैक्टर अफेक्टिंग कैसे करते हैं, अगर हम पहला फैक्टर देखें वो है टीचर एप्टीट्यूड, वो कैसे है, फर्स्ट टर्म की पर्सनैलिटी क्वालिटी, पर्सनैलिटी मतलब उनके व्यक्तित्व के गुण कौन कौन से हैं, कितने अफेक्शनेट हैं, कितने डेमोक्रेटिक हैं, कितने ऑप्टिमिस्टिक आशावादी हैं, कितने डायनेमिक, कितने एक्टिव हैं वो, और इसके अलावा कितने वो सिंपथेटिक हैं अपने बच्चों के प्रति, ये अगर गुण है तो वो एक अच्छा टीचर है। और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी देखी जाए उसके अंदर, कितना उनको अपना सब्जेक्ट मैटर पे कमांड है, कितनी इफ़ेक्टिव वो कम्युनिकेट करते हैं और कितना ही प्रॉपर उनका टीचिंग स्टाइल है, कितना बेस्ट यूज़ करते हैं वो इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ का, उनका क्लासरूम का मैनेजमेंट कितना कैसा है, उनका इवेल्युएशन कैसा है, और वो स्टूडेंट से उनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ये है उनकी प्रोफेशनल इथिक्स या कॉम्पिटेंस। अगर हम कोर टीचिंग स्किल्स की बात करें,
सबसे मेन पार्ट है कि टीचर का टीचिंग स्किल्स कहता है कैसा है। कुछ स्पेसिफिक स्किल्स दिए गए हैं जो उनके स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड हैं, जैसे इनकी लैंग्वेज, सोशल साइंस और मैथ्स। कुछ टारगेटेड स्पेसिफिक स्किल दिए गए हैं जिसके अंदर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को टीचिंग करने को लेकर है। अगर कुछ फैक्टर्स की बात करें क्लासरूम को लेकर, टीचर हैव लिमिटेड रिसोर्स एक्सपोजर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग टू प्रोन टू द, उनको कुछ टेक्स्ट बुक फॉलो करनी पड़ती हैं, एक प्रॉपर करिकुलम फॉलो करना पड़ता है, उनको सिर्फ अपनी ट्रांसमिटेड करनी होती है इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टेड नोट्स बनाने पर अपने नोट डिक्टेट करने पड़ते हैं, उनको इम्पार्ट करनी है इन्फॉर्मेशन। अगर टीचर को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देनी है, ऊपर तो क्या था हमारा स्कूल टीचिंग है, और इसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग देनी है आपको, और उसको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग देना है बच्चों के अंदर, तो उसके अंदर क्या, अडॉप्ट द न्यू वे ऑफ टीचिंग, इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन टीचिंग, बच्चों को भी इन्वॉल्व करना होगा, जनरेट न्यू आइडियाज़, उनके अंदर नए नए आइडियाज़ जनरेट करने होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उनके अंदर डेवलप करनी होगी, उनको कोऑपरेटिव लर्निंग फॉलो करना होगा, और उनके अंदर इंटरेक्टिव अप्रोच अप्लाई करनी होगी। और एक ग्रुप टीचिंग की बात भी आती है इसके अंदर, डिफरेंट स्टेज पर टीचिंग का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। अगर हम NCERT के द्वारा बताए गए स्किल्स की बात करें, 1982 में उन्होंने टीचिंग के कुछ स्किल बताए थे, अगर वो टीचर के अंदर हैं तो एक बेस्ट टीचर काउंट होगा। फर्स्ट है उनका राइटिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो हमने कल बात की थी, ब्लूम के द्वारा लिखे गए थे। उससे सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, कितना वो अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। थर्ड है उनका क्रिएटिव सेट ऑफ इंट्रोडक्शन द लेसन, किस तरह से वो क्रिएटिवली अपने लेसन को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ आपका पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, पहले तो वो प्रीरिक्विजिट नॉलेज चेक करते हैं, उसके बाद अपना लेसन क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। फिफ्थ है स्ट्रक्चरिंग ऑफ द क्लासरूम एक्टिविटी, किस तरह की क्लासरूम एक्टिविटी वो स्ट्रक्चर्ड करते हैं अपने लेसन प्लानिंग के अंदर। सिक्स्थ है उनका क्वेश्चन डिलीवरी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, वो किस तरह के क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनको किस तरह से बच्चों में डिलीवर करते हैं। सेवन्थ है उनका रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, किस तरह से फीडबैक देते हैं। 8th है उनका किस तरह की उनकी एक्सप्लेनेशन है अपने कंटेंट को लेकर। 9th है उनका किस तरह के एग्जाम्पल इलस्ट्रेट करते हैं अपने कंटेंट को समझाने के लिए। और 10th है उनको किस तरह की इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज वो यूज़ कर रहे हैं इफेक्टिवली टू प्रोवाइड द टीचिंग टू द स्टूडेंट। और 11th है आपका स्टिमुलस वेरिएशन, किस तरह से वो स्टिमुलस को वेरियस करके उनके रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। अगर हम पेस की बात करें, कितना लेसन पेसिंग, उनके पेसिंग ऑफ द लेसन है। 13 की बात करें, कितना वो पीपल के अंदर, बच्चों के अंदर पार्टिसिपेशन करवाते हैं क्लासरूम के अंदर। अगर हम 14th की बात करें, यूज ऑफ द टीचिंग एड्स, जैसे कि आपको ब्लैक बोर्ड है, इंटरनेट की बात करें, PPTs हो चुका है, और इसके साथ कितना स्पोर्टिंग मटेरियल को इफेक्टिवली यूज करते हैं क्लासरूम के अंदर। 15 उनका अचीविंग क्लोजर टू द लेसन, कितना वो लेसन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। अगर 16 की बात करें, असाइनमेंट किस तरह से प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर हम 17 की बात करें, तो उनका इवेलुएटिंग द पीपल मतलब बच्चों की प्रोग्रेस को किस तरह से वो इवेलुएट करते हैं। 8th की बात करें, आफ्टर इवेल्युएशन किस तरह वो डायग्नोज करते हैं बच्चों की प्रॉब्लम्स को, डिफिकल्ट एरियाज को, और उनके और किस तरह की रेमेडियल मेजर्स टीचर प्रोवाइड करती है। 19th है क्लासरूम मैनेजमेंट, किस तरह क्लासरूम मैनेजमेंट वो यूज़ करते हैं। ये है टीचर के स्किल्स। अब बात आती है, अगर हम बात करें लर्निंग फैक्टर्स की, क्योंकि आपके जो सिलेबस में दे रखे सिर्फ 4 ही फैक्टर आपको डिस्कस करने हैं, वो है टीचिंग फैक्टर, दैट इफेक्ट द टीचिंग, टीचर के फैक्टर हैं वो किस तरह टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। दूसरा है लर्नर के कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं टीचिंग को। उसके बाद आता है आपका सपोर्ट सिस्टम के, आपके कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। एंड इसके बाद आता है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़, किस तरह से वो इफेक्ट करती हैं आपकी टीचिंग लर्निंग को। अब हम सेकेंड पार्ट पर चल रहे हैं, वो है आपका लर्नर फैक्टर्स। लर्नर पर कितने बच्चे इंट्रेंसली मोटिवेटेड है, अंदर से कितने मोटिवेटेड हैं अपनी लर्निंग को लेकर, वो भी इफेक्ट करेगा। नंबर 2 की बात करें, कितना उनका रिटेंशन पावर है, एक स्टूडेंट का जो क्लासरूम में पढ़ रहा है उसका रिटेंशन पावर कितना है, उस पर डिपेंड करेगी आपकी इफेक्टिव टीचिंग। आपकी टीचिंग कब इफेक्टिव होगी, जब मैक्सिमम लर्निंग होगी। और मैक्सिमम लर्निंग को कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, पहला है बच्चे का रिटेंशन पावर, दूसरा है उनका इंट्रेंसिक मोटिवेशन, तीसरा है उनका जॉयफुल इंटरेस्ट कितना है लर्निंग में, और फोर्थ है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कितनी इसके टीचिंग से उनके अंदर कॉग्निटिव उनका मेंटल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। कॉग्निटिव बोलते हैं मेंटल को, डेवलपमेंट को। और फिफ्थ है उनका कितनी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पर वो कितने सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं लर्निंग की तरफ, हमारे उतनी ही इफेक्टिव टीचिंग होगी। कितना सेल्फ मोटिवेशन है अपनी लर्निंग को लेकर,
अगर हम कंसीडर करें ओके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो अब हम अगर हम सोशल इकोनॉमिक बात करें तो पहला है कितना, अगर किसने दिए, ये है बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर की सोशो इकोनॉमिक्स पार्ट है जो कंसिडर कई बार किए जाते हैं कई बार नहीं किए जाते हैं। नेचर ऑफ द लर्निंग मटीरियल, किस तरह का लर्निंग मटीरियल उनको दिया गया, इजी दिया गया है, डिफिकल्ट दिया गया, कंटेंट किस तरह का दिया गया है। एनवायरमेंटल फैक्टर, किस तरह का उनको स्पेस प्रोवाइड किया गया है। लर्निंग सपोर्ट, किस तरह के उनको सपोर्ट डिवाइसेस दी गई हैं, टेक्स्ट बुक दी गई हैं, वो फैक्टर भी उन पर बहुत। अब आती है सपोर्ट मटीरियल की बात, किस तरह का सपोर्ट मटीरियल प्रोवाइड किया गया है। जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं तो सपोर्ट मटीरियल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोर्ट मटीरियल क्या होता है, जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, लर्निंग आउटकम को अचीव करने के लिए हेल्प करता है, जिसके अंदर आपकी टेक्स्ट बुक्स आती हैं, जिसके अंदर आपका मैगजीन्स, जर्नल, पीरियडिकल्स, प्रैक्टिकल्स आते हैं, जिसके अंदर आपके डिफरेंट टीचर के दिए हुए सोल्यूशंस और क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले इसका नेचर पर डिपेंड, किस तरह की नेचर है, ईजी है या डिफ़िकल्ट है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, इंटरेस्टेड है या अनइंटरेस्टेड है। और दूसरा सीक्वेंस की बात करें, क्या ये लॉजिकली सीक्वेंस में है या आप जंबल में है, क्या क्या कंफ्यूजिंग है। थर्ड है साइज, किस तरह का साइज है, अकॉर्डिंग टू द एज कौन सा साइज प्रोवाइड किया गया। साइज अगर कंटेंट ज़्यादा होगा तो बच्चा बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाएगा और उसके अंदर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो ये भी डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू एज और उनकी पैटर्न कितना साइज प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद उनका लैंग्वेज स्टाइल, कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई है, उसके अंदर एम्बिगुअस लैंग्वेज है या क्लैरिफाई है या कई मीनिंगलेस वर्ड यूज़ किए गए हैं जो बच्चों को समझ नहीं आ रहे हैं, वहाँ डिफिकल्टी लेवल। सपोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए, हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, इट शुड बी मीनिंगफुल लैंग्वेज स्टाइल होना चाहिए। और इसके अंदर एक होता है डिफिकल्टी लेवल, ईजी है या डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी लेवल हमेशा इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाना चाहिए, कंसेप्ट फॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए इसके अंदर फैक्ट और फिगर कितने एक्यूरेट दिए गए हैं। उसके बाद आती है उनके अंदर कितना पर्पसफुली ये सपोर्ट मटेरियल प्रिपेयर किया गया है। इसके अंदर आप अपने ऑडियो विजुअल एड को सोच सकते हैं, PPT की बात कर सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स की बात कर सकते हैं, PDF के नोट्स प्रोवाइड करते हैं उसकी बात कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी क्वालिटी ऑफ सपोर्ट, आपका जो सपोर्ट सिस्टम की क्वालिटी है उसकी बात कर सकते हैं। इसके अंदर सपोर्ट सिस्टम को एक्सेस करने के कौन कौन से माध्यम दिए गए हैं उसकी बात कर सकते हैं, क्या अपडेटेड है या ओल्ड दिया गया इसकी बात कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑनलाइन टीचिंग कंटेंट की भी बात आ सकती है आपके सामने, जिसको हम इसको अगर हिंदी में बोले तो ये है समर्थन सामग्री। अगर हम तीसरे फोर्थ पॉइंट की तरफ चले वो है आपका इंस्ट्रक्शन मटेरियल। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंट विद द इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड द समर्थन सामग्री, कैसे निर्देशात्मक सुविधाएं और समर्थन। समर्थन सामग्री टेक्स्ट बुक्स होती हैं, रिटन मटेरियल्स होता है, निर्देशन सामग्री क्या होती है, आपकी एसेट्स होते हैं जिसके अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लेकर क्या होता है, कुछ सप्लीमेंट दिए जाते हैं जिसके अंदर टीचिंग मैथड, टीचिंग टेक्निक्स की बात की गई है। मतलब क्या आपके प्री रिकॉर्डेड लेक्चर हैं या प्रोजेक्ट लर्निंग है या इंटरनेट लर्निंग है, करिकुलम बेस्ड लर्निंग है, टीचिंग ऐड कौन सी यूज़ की गई है, कौन सा आपका लर्निंग मेथड अप्लाई किया गया है, कौन सी टीचिंग टेक्निक्स को अप्लाई किया गया है, कौन सा टीचिंग स्किल अप्लाई किया गया है, और जिसके अंदर अगर हम बात करें कौन सी लर्निंग स्ट्रेटजी को हमने यूज़ किया है, दीज आल आर द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज। अगर हम बात करें अब फिफ्थ वन की, वो है लर्निंग एनवायरमेंट, वातावरण कैसा है आपके सीखने का, ये बहुत इफेक्ट करता है आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। एक गुड टीचिंग लर्निंग नीड्स गुड लर्निंग एनवायरमेंट, क्योंकि इसके अंदर साइकोलॉजिकल और इंस्ट्रक्शनल प्रस्पेक्टिव होते हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, डाइवर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, उस बच्चों को एंगेज करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए अलग अलग डिवाइसेज यूज़ की गई होंगी, तो उनके न्यू स्किल्स डेवलप करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा टीचिंग लर्निंग के लिए। सपोज करो आपका एक स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को टीच कर रहे हैं, अगर बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया गया, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी गई है, प्रैक्टिकल स्किल्स उनके अंदर डेवलप किए गए हैं, डिफरेंट चीज़ों में उनको एंगेज करके, उनसे इंटरेक्ट करके, तो उनका वो टीचिंग क्या आएगा, बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो लर्निंग एनवायरमेंट एक बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इसके अंदर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं,
जो पहला है ओपन एनवायरनमेंट होना चाहिए, बच्चे को डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। दूसरा है डाइवर्स सेटिंग, में डाइवर्स सेटिंग होनी चाहिए, म्यूजिक रूम अलग होना चाहिए, स्टडी रूम अलग होना चाहिए, लैब्स अलग होनी चाहिए, बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होनी चाहिए इसके अंदर। और इसके अंदर ट्रेडिशनल क्लासरूम की जगह मॉडर्न क्लासरूम आय के अंदर, जैसे जिस तरह से इंटरनेट पर टीचिंग हो रही, ऑनलाइन ई लर्निंग की बात की जा रही है, तो इस तरह के उनको वहाँ पर फैसिलिटीज दी जानी चाहिए। एनवायरनमेंट मस्ट बी, लास्ट पॉइंट है, मस्ट बी लाइवली, इंटरेक्टिव होना चाहिए, मतलब कोई भी बार या कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए टीचर और लर्नर के बीच में। अब बात आती है लास्ट पॉइंट, वो है आपका इंस्टीट्यूशनल संस्थागत परिस्थितियाँ। संस्थागत परिस्थितियाँ कैसे, अगर हम बात करें एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसको ज़्यादा लोग प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि इनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आप इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं तो पहला उनका रेप्यूटेटेड होना जरूरी है, दूसरा उनकी फैसिलिटीज़, उनका स्टाफ कैसा है, उनके अंदर लैब है या नहीं है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है या नहीं है, या उनको वैरायटी ऑफ सेटअप दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा टीच जो ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है अपने सब्जेक्ट को चूज़ करने की, अपने एरिया को चूज़ करने की, ये क्या टीचर को ऑटोनॉमी है अपने टीचिंग स्किल को अडॉप्ट करने की, अपने करिकुलम प्लान करने की, या फिर उसको प्रिपेयर करने की या प्रेजेंट करने की। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल सेटअप, जिसको आप बोलते हैं संस्थागत परिस्थितियाँ, जिसके अंदर आप आता है एडमिनिस्ट्रेटिव की बात की गई है, कितना उनके ऊपर हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव उनको सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, ना कि प्रेशर सिस्टम, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का उनको टीचर्स के ऊपर बच्चों के ऊपर किस तरह प्रेशर नहीं होना चाहिए, हमेशा स्पोर्ट्स में होने चाहिए उनके। अगर हम बैलेंस रिलेशनशिप की बात करें तो उनके अंदर एक बैलेंस रिलेशनशिप होना चाहिए, किसके बीच में, टीचर स्टूडेंट्स के बीच में, पेरेंट्स और टीचर के बीच में, और एडमिनिस्ट्रेशन और पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में। दीज आर द मेन। और एक दो पॉइंट और हैं जिसमें ज्योग्राफिकल सेटिंग होनी चाहिए, जिसके अंदर आपको नॉइज़ फ्री एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। और अगर बात करें कि नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स पर टीचर हैं, कितने टीचर पर स्टूडेंट्स हैं, उसकी बात कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा स्टाफ की परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस की बात कर सकते हैं, किस तरह के रूल्स फॉलो कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन, किस तरह की पॉलिसीज फॉलो की जा रही हैं, क्या वो सपोज करो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं जो यूजीसी को फॉलो नहीं करते, उनके अपने नॉर्म्स होते हैं, तो क्या वो कितने बच्चों के लिए कितने अच्छे हैं, कितने वो टीचर्स के लिए बेटर हैं, वो सब क्या है, किस पे आता है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप पे आता है। लास्ट पॉइंट है इसका टीचर ट्रेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी कह सकते हैं। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग इज अ वेरी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मतलब इसके अंदर एनहेंस होना चाहिए। क्या चीज़ है ना, उनसे अगर टीचिंग ट्रेनिंग की बात की जाए, टीचिंग ट्रेनिंग से क्या 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 एनहेंस होता है, टीचर के स्किल, अगर टीचर ट्रेनिंग टीचर ने ले रखी है तो उनके टीचिंग स्किल्स एनहेंस हो जाते हैं, उनके अंदर अपनी न्यू नॉलेज की मास्टरी होती है, अपने सब्जेक्ट की मास्टरी होती है, उनके अंदर प्रोफिशिएंसी बहुत डेवलप होती है, उनके अंदर क्वालिटी डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, उनके एक ट्रेन टीचर बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट होता है। अगर बात करें कि वो कहाँ हेल्प करता है स्टूडेंट में, वो स्टूडेंट के हर एरिया में रेडी टू हेल्प, क्योंकि वो इजीली इन चीज़ों को पहले ही देख चुका होता है। तो इसके बाद अंडरस्टैंड द वेरियस डोमेन ऑफ लर्निंग, उसको अलग अलग लर्निंग के डोमेन की भी नॉलेज होती है। इसके अलावा लेसन प्लानिंग की, लेसन डिलीवरिंग की, लेसन प्रेजेंट करने की, सभी परिस्थितियाँ उसको प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें, तो वो है आपका इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ में नेचर ऑफ ऑडियंस, साइज ऑफ ऑडियंस, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, एक्सेप्शनल नेचर ऑफ द चेंजेस, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइडेड, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ एंड रिलेटिव कॉस्ट क्या रहेगी, ये सब इसके पार्ट्स में आता है। यहाँ आपका फैक्टर अफेक्टिंग फिनिश होता है, जितने ही फैक्टर स्ट्रॉन्ग किए जाएंगे, पॉजिटिव फैक्टर डाले जाएंगे, उतनी ही आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, बेटर होता जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, तो हाँ कल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट आपका है, कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम है हमारे टीचिंग के, वो आपका नेक्स्ट फ्राइडे और सैटरडे चलेगा। अब जो आपकी क्लासेस रहेंगी वो आपकी एजुकेशन पेपर सेकंड से रिलेटेड रहेंगी, जो मंडे से रहेंगी। यहाँ तक जो मैंने आपको टीच किया है पेपर वन का, यानी कि आपका पेपर वन कौन सा है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, और उसका पार्ट वन पेपर का चैप्टर वन है टीचिंग एप्टीट्यूड। I hope you understand the content I have already teach in the last class, in the present class. I hope you understand. Any query, please, you can mention in the comment box. Thanks a lot.
थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली बहुत बहुत धन्यवाद जिनको भी मेरा लेक्चर पसंद आया, बहुत धन्यवाद। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंटेंट, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सभी को मेरा कंटेंट समझ में आ गया होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों को जो जिनको ये लेक्चर पसंद आया। आपको PDF के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपको रेगुलर प्रोवाइड किए भी जा रहे हैं इसी ग्रुप में Facebook के द्वारा। तो आप उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को रखिए, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू, थैंक यू फॉर द नाइस इंटर। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है यू कैन डिस्कस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स लॉट एंड स्टे ब्लेस्ड, ऑलवेज डू द बेस्ट एंड अचीव द बेस्ट, स्टे हैड, बाय बेटा, थैंक यू।